हाई गुड इवनिंग मेरा वॉइस क्लियर है अगर कोई भी डाउट है या कोई भी uh, इशू आ रहा है तो आप कॉमेंट बॉक्स में बेटा मुझे मैंशन कर सकते हैं और जल्दी ही कॉमेंट बॉक्स में अपना हाय या हेलो मैंशन करिए प्लीज गुड इवनिंग एवरीवन चलिए तो जैसे कि हम लोग लास्ट वीक एसएससी सीपीओ स्टार्ट किए थे एनालिसिस स्पेशली वैसे ही आज भी एसएससी सीपीओ के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग कंटिन्यू करेंगे बट इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो ये कि अगर अभी तक आपने एम का एप डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज एम का ऐप जरूर डाउनलोड करें दूसरी चीज आपके जो भी यूट्यूब्स हैं उनके उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया गया है अगर आपको सेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट उस लिंक के थ्रू हमें सेंड कर सकते हैं यानी कि भेज सकते हैं सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है वो जरूर से चेक करना है ठीक है और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज टेलीग्राम का लिंक भी आपके मेंशन किया गया है तो टेलीग्राम का लिंक भी आप एक बारी चेक कर लें क्लियर है स्टार्ट करेंगे सो so, अच्छा ये आपके एस एस सी सी का एक शेड्यूल uh, है तो so, आप ये देख सकते हैं सुबह so, आठ बजे अमित सर का क्लास होता है आफरीन मैम का क्लास दस बजे uh, शुजाउद्दीन खान सर का बारह बजे मेरा चार बजे और अभिनव सर का नौ बजे क्लास रहेगा यानी कि मेरी क्लास के बाद आपको अभिनव सर का क्लास मिलेगा गुड इवनिंग एवरी वन एम आवाज आ रही है हेलो ओके चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन को फर्स्ट क्वेश्चन से लेकिन उससे पहले जैसा कि मैंने कहा कि एम्बाइव ऐप डाउनलोड करना है अगर नहीं किया है तो करना है एम्बाइव ऐप जब आप डाउनलोड करोगे तो आपको तो कुछ ऐसी दिखाई देती है ठीक है इस तरीके से आप इसको ओपन करोगे आपकी टेस्ट आपके वीडियोस जो हैं वो प्रैक्टिस आप यहाँ पे प्रॉपर कर पाओगे क्लियर चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर <coughs> पहला क्वेश्चन है इज द ऑथर ऑफ द बुक अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड हेलो यसीर खान जी आइए इनमें से बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड नामक बुक के राइटर कौन है लगाइए आंसर कमेंट बॉक्स में आपके ऑप्शन है शशि थरूर जी एन आर नारायण मूर्ति रतन टाटा गुरचरण दास पिक दासद आंसर आंसर मेंशन करिए प्लीज ओके करेक्ट so करते हैं इस क्वेश्चन को करेक्ट आंसर अगर देते हैं तो आपका करेक्ट आंसर होगा एन आर नारायण मूर्ति इज अ आंसर। सो एन आर नारायण मूर्ति गुड इवनिंग मेघा है। एन आर नारायण मूर्ति जो है ये इन्फोसिस से जुड़े व्यक्ति भी है और इन्होंने आपके ये बुक लिखी थी बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड ये जो बुक थी दरअसल ये बुक गांधी जी के जो ड्रीम्स थे उसको फुलफिल करने के जो तरीके थे जो वेस थे उसको दरअसल आपके इस बुक में बताया गया है ठीक है तो ये बुक काफी इंपॉर्टेंट है करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी था करेक्ट आंसर यहां से चेक करिएगा एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गुड इवनिंग बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भंड पथेर थिएटर इज अ ट्रेडिशनल प्राइमरली ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया लगाइए आंसर ये बेसिकली एक थेट, फोक थिएटर है केरला दादर नगर हवेली जम्मू कश्मीर एंड गोवा काइंडली आंसर करेक्ट आंसर करते हैं एंड करेक्ट आंसर बेटा जम्मू कश्मीर इज राइट आंसर सो ये जो आपका uh, पतेर है ये आपके दरअसल ठीक है।, है और ये जुड़ा हुआ है किससे जम्मू कश्मीर से बेसिकली आपके जुड़ा है अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो जम्मू कश्मीर जो है वो आपके यूनियन टेरिटरी या कहिए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जो है वो जाना जाता है या हमारा बेसिकली बना है कब बना था तो आप इसकी डेट भी नोट कर सकते हैं कभी आ, आज भी जाता है क्वेश्चन हालांकि तो अक्टूबर 2019 को को जो है वो जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी या एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था जम्मू कश्मीर की अगर मैं राज्यसभा सीट्स की बात करूं या जम्मू कश्मीर की लोकसभा सीट्स की जैसे बात करें अपन तो जम्मू कश्मीर की लोकसभा सीट्स है पांच और राज्यसभा सीट्स हैं ठीक है जब लोकसभा और राज्यसभा सीट की बात करते हैं तो इसी के साथ आप बात करोगे लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि वहां के विधानसभा की भी और वहां की जो विधानसभा की सीटें होंगी वो होती है एक सौ चौदह मनोज सिन्हा वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी था और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रोजेक्ट एलिफेंट वॉज लॉन्च इन इंडिया इन द इजेक्ट एलिफेंट जो था ये भारत में आपके किस वर्ष लॉन्च किया गया था बेटा प्लीज कॉमेंट बॉक्स का यूज करिए और आंसर करिए लाइव चैट पे लाइफ का मतलब ये है कि आप लाइव प्रॉपर आंसर कर पा रहे हैं मुझे ओके सूरज ठीक है नाइनटीन नाइनटी टू कह रहे हैं प्रोजेक्ट सही है प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है ये 1992 में आपके स्टेब्लिश किया गया था या कहिए इस प्रोजेक्ट एलिफेंट को 1992 में स्टार्ट किया गया था एलिफेंट्स को प्रोटेक्शन देने के लिए दरअसल आपके ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था मिनिस्ट्री के द्वारा तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा जो है वो आपके ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं कि बताइए प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो इनमें से किस मिनिस्ट्री या किस मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया था तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ठीक है इस मिनिस्ट्री के द्वारा आपके ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था ऐसे ही आप एज अ होमवर्क या एज अ लिस्ट क्रिएट कर सकते हो कि प्रोजेक्ट एलिफेंट के अलावा जैसे प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट टाइगर राइनो इस तरीके के भी प्रोजेक्ट आए हैं उनको भी देख सकते हो चलिए करेक्ट करते हो इस क्वेश्चन को और करेक्ट आंसर आपका ये था नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट वॉज इंफ्लुंस्ड बाय द आर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्री इंडली आंसर नहीं नो कॉमेंट बॉक्स प्लीज आपके ऑप्शन है ग्रीस इडली हंगरी या बेल्जियम ओके बी इडली ठीक है ए और बी दो तो बेटा करेक्ट आंसर होगा ग्रीस इज अ राइट आंसर ठीक है सो ये आपका जो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट था ये इंस्पायर्ड है यूरोपियन कंट्रीज में से ग्रीस पे. ग्रीस का अगर कैपिटल पूछा जाए तो ग्रीस का कैपिटल होगा एथेंस ठीक है और ग्रीस की अगर करेंसी पूछी जाए कोई बात नहीं आ, ग्रीस की अगर करेंसी पूछी जाए तो करेंसी होगी यूरो यूरोपियन कंट्री है वैसे भी यूरो ही इसका करेंसी uh, जो है वो रहेगा क्लियर चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सागर माथा इज द नेपाली नेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सागर माथा जो है वो आपके बेसिकली एक नेपाली नेम है इनमें से किस एक चोटी का भी कह सकते हैं अपन या कहिए इनमें से किसी एक पीक का करिएगा आंसर सूरज कह रहे हैं माउंट एवरेस्ट ओके क्वेश्चन टफ है क्या सीपीओ एनालिसिस है मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैंने इस पर कुछ काम नहीं किया है आपके जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वैसे ही क्वेश्चंस को लिया है तो उसमें अपन ये कह ही नहीं सकते कि बहुत टफ है बहुत इजी है है ना ये तो आ चुके हैं क्वेश्चंस चलिए करेक्ट आंसर करते हैं और सागर माथा जो है ये आपके बेसिकली नेपाली नाम है यानी कि नेपाल में ठीक है माउंट एवरेस्ट को किसको माउंट एवरेस्ट जो है इस माउंट एवरेस्ट को नेपाल वाले पार्ट में हम लोग किस नाम से जानते हैं सागरमाथा के नाम से ठीक है या सागर माता बेसिकली हम इसको कहेंगे या कहते हैं अगर हम लोग बात करें कि बता दीजिए आप तिबेतियन लैंग्वेज में ठीक है तिबेतियन लैंग्वेज में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है या तिब्बती भाषा में जो है वो माउंट एवरेस्ट को आ, किस नाम से जाना जाता है तो उसको जाना जाता है छोमुमा लुंगमा इस नाम से जो है वो आपके माउंट एवरेस्ट को तिब्बतियन रीजन में जाना जाएगा अगर मैं माउंट एवरेस्ट की एग्जैक्ट लोकेशन की बात करूं तो एग्जैक्ट लोकेशन बेटा आपको मिलेगी नेपाल में नेपाल जो है वो आपके माउंट एवरेस्ट की एग्जैक्ट लोकेशन होगी या होती है एट एट फाइव सिक्स जो हाइट है वो आपके इसकी हाइट रहेगी मैकालू ये बहुत आता है पेपर में मेकालू चोटी जो है वो कहाँ स्थित है तो ये भी नेपाल की पीक है नेपाल और तिब्बत वाले रीजन में ही आपके मैकालू या मैकाल रेंज जो है वो बेसिकली पड़ती है ठीक है कंचनजंगा आपका एक ऑप्शन है कंचनजंगा बेटा सिक्किम में स्थित है ये आपको सिक्किम में मिलेगा ठीक है और लोट से ये दरअसल में कालू का ही एक सेगमेंट है क्लियर है बसन में आ गया चलिए करेक्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करेक्ट आंसर इज माउंट एवरेस्ट अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्तूप साइट इज नॉट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ यूपी इनमें से कौन सा एक स्तूप जो है वो आपके बेसिकली उत्तर प्रदेश राज्य में नहीं है प्लीज आंसर इनो कमेंट सेक्शन आंसर करते जाइए कमेंट बॉक्स में करेक्ट करते हैं भरूत इज राइट आंसर अगर आप में से किसी लोगों को नहीं पता है कि भरूत कहाँ आता है तो ये आता है मध्य प्रदेश ठीक है मध्य प्रदेश या एमपी में बेसिकली भरूच है वो आता है रामभर ये आपके रामभर अगर मैं बात करूं तो ये बुद्धा से रिलेटेड एक स्तूप है यानी कि आपके सेम वही बिहार वाली रीजन में आपको मिल जाएगा ठीक है देन आफ्टर चौकांडी चौखंडी जो है ये गुप्ता एरा गुप्त वंश के टाइम का एक स्तूप जो है वो माना जाता है ठीक है तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है विथ विच स्पोर्ट्स डू यू एसोसिएट द नेम ऑफ कोनेरू हम्पी कोनेरू हम्पी जो है ये बेसिकली आपका इनमें से ये नाम किस खेल से संबंधित है दीपक पटेल नमस्कार बहुत लेट है ना राजेश जी ए कह रहे हैं ओके चेस से रिलेटेड है ठीक है सूरज जी भी चेस कह रहे हैं गुड इवनिंग राजेश जी हेलो आ, ओके करेक्ट आंसर करते हैं बेटा आपसे आप क्वेश्चन एक बेसिकली प्लेयर का नाम दे दिया गया है और फिर आपसे जो है वो क्वेश्चन पूछा है बताइए किन इनमें से किस खेल से संबंधित है तो कुनेरू हम्पी जो है पहले तो जान लो ये किस स्टेट को बिलोंग करती है कुनेरू हम्पी आंध्र प्रदेश को बिलोंग करती है आंध्र प्रदेश ये एक ही नाम है ठीक है मैंने करेक्ट किया है बस आंध्र प्रदेश को ये बिलोंग करती है और किस खेल से संबंधित है तो चेस से आपके ये संबंधित है या गई आपके चेस खेल से एसोसिएटेड ये होंगी ठीक है 2002 के समय शी वाज शी बिकेम द यंगस्ट वुमेन या यंगस्ट गर्ल जिन्होंने आपके चेस के क्षेत्र में ग्रैंड मास्टर का जो टाइटल था वो लिया था बाद में 2003 के टाइम पर इनको जो है वो अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा गया था 2003 में अर्जुन अवार्ड से इनको नवाजा गया था 2007 के टाइम पे पद्मश्री से नवाजा गया था ठीक है पद्मश्री श्री अर्जुन अवार्ड जो है वो दोनों कुनेरू हम्पी जी जो है इनको बेसिकली मिल चुके क्लियर करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका क्या ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा कह रहा है द स्टील प्लांट एट बोकारो वॉज सेटअप इन द कोलेबरेशन ऑफ बोकारो स्टील प्लांट जो है ये बेसिकली आपके इनमें से किस एक सहायता से बनाया गया था बेटा कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए बोकारो स्टील प्लांट आपको मालूम है झारखंड में आता है जब भी आप फाइव ईयर प्लान पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ते हो तो उसमें भी जो प्लांट्स हैं वो किस देश की सहायता से अपने यहाँ लगे स्टेब्लिश हुए ये बताया जाता है 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 nice, a, है ना सही सही वेरी नाइस मेघा करेक्ट आंसर सोवियत यूनियन इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी तो सोवियत यूनियन की सहायता से जो है वो झारखंड के बोकारो में आपके स्टील प्लांट को स्टैब्लिश किया गया था या लगाया गया था करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही है वेरी नाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 2000 इनमें से कौन सा एक ऐसा राज्य है जो वर्ष 2000 में आ, बना था गठित हुआ था आपके ऑप्शन है उत्तराखंड सिक्किम ओडिसा गोवा ठीक है 2000 ऑप्शन आ रहा है उत्तराखंड वेरी गुड सही है तो 2000 के टाइम पे देखो 2000 के टाइम पे ना तीन ही स्टेट बने हैं मैं आपको बता दूं एक उत्तराखंड है बहुत कंफ्यूजन अगर होगा तो झारखंड के साथ हो सकता है और थोड़ा होगा तो छत्तीसगढ़ के साथ हो सकता है ठीक है तो ऐसा था ये तीन स्टेट बिल्कुल एक साथ ही ऑलमोस्ट टू थाउजेंड में ही बने थे अगर आपको जैसे थोड़ा बहुत पता हो कोई मुझे बता पाएगा कमेंट बॉक्स में कि एक नवंबर 2000 हजार फर्स्ट नवंबर टू को कौन सा स्टेट बना था हाँ बिल्कुल सही है फर्स्ट नवंबर 2000 को कौन सा स्टेट बना था कोई मुझे बता दे जल्दी वेरी गुड छत्तीसगढ़ ये बना था बेटा आपका फर्स्ट नवंबर 2000 ठीक है भारत का छब्बीसवें नंबर का स्टेट था छत्तीसगढ़ ये आपके फर्स्ट नवंबर को बना था उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं ये बना था नौ नवंबर नौ नवंबर 2000 यूपी से अलग होकर के एक हिस्सा बना था उत्तराखंड ठीक है यूपी से अलग हुआ था उत्तराखंड और यह था नौ नवंबर यानी कि सत्ताईसवें नंबर का स्टेट उत्तराखंड हुआ था और झारखंड बना था पंद्रह नवंबर 2000 ठीक है फिफ्टीन नवंबर 2000 को आपका झारखंड बना था कौन से नंबर का स्टेट हो जाएगा ट्वेंटी एट अट्ठाइसवें नंबर का स्टेट जो है वो झारखंड हो जाएगा क्लियर सिक्किम बेटा आपके आ, सिक्किम जो है वो नाइनटीन में बना था सिक्किम का कॉन्स्टिट्यूशन ईयर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जरूर पूछते हैं तो याद रखना छत्तीसवें संविधान संशोधन थर्टी सिक्स कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा सिक्किम बना था ठीक है उड़ीसा बहुत पहले से था आपको नॉर्मली पता ही होगा फर्स्ट अप्रैल 1936 उत्कल दिवस के रूप में इसका फर्स्ट अप्रैल जो है वो अपन सेलिब्रेट भी करते हैं क्लियर है और देन आफ्टर गोवा दिया है गोवा बना था फर्स्ट मई 1987 पुर्तगालियों से गोवा जब छीना गया था मतलब लिया गया था गोवा हो गया चंद्रनगर हो गया कैरिकल हो गया माही हो गया है ना तो ये क्या पुर्तगाली सबसे एंड में गए भारत से और फिर गोवा जब निकला तो उसके बाद 87 में जाकर हमने गोवा को 25वें नंबर का राज्य का दर्जा दिया था गोवा ट्वेंटी नंबर का स्टेट था भारत में क्लियर तो ये रिओर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट जब पढ़ते हो राज्यों का पुनर्गठन जब पढ़ते हो ना तब ये पूरी कहानी आती है ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला तो पढ़िएगा समय मिले आप लोगों को कभी तो चलिए करेक्ट आंसर करते हैं इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था उत्तराखंड Next question है, in the context of colonial India, the committee, है, 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 ठीक कुछ नहीं है, बोल रहा है, committee जो है, ये बेसिकली आपके इनमें से से किस विषय संबंधित है एजुकेशन यानी कि शिक्षा अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण इरिगेशन यानी कि सिंचाई हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य हार्डटोक कमिटी प्लीज डाउनलोड दाइव एप एक नीचे लिंक भी दिया गया है अगर कोई भी डाउट है जैसे मेरे, मेरे बोलने में कुछ शायद गड़बड़ हो गया हो या आपको लग रहा हो नहीं ऐसा नहीं ऐसा भी होता है तो ऐसे सारे डाउट्स के लिए आप आ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हो वहां पर एक लिंक है और लिंक से आप अपने डाउट पूछ सकते हो राजेश जी हैं सूरज जी ने एजुकेशन बोला है सूरज जी सही है आप करेक्ट आंसर एजुकेशन इज अ राइट आंसर हार्ट टॉक कमिटी जो थी ये बेसिकली आपके एजुकेशन से संबंधित थी कब आई थी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो नाइनटीन <coughs> में ये कमिटी जो है वो आई थी चलिए तो करेक्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सबमिट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आयरन नेव यानी कि लोहे की कील ठीक है बिकम डैश वेन डेप्ड इन अ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन अगर आप लोहे की कील को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डालकर के रखते हो तो वो किस कलर में चेंज होगी ग्रीनिश यानी कि हरा ब्राउनिश यानी कि भूरा ग्रेइश यानी कि ग्रे कलर और ब्लूइश यानी कि ब्लू कलर ओके okay, श्योर राजेश ओके okay. एक बारी प्लीज शेयर कर दीजिएगा सभी लोग शेशन को अगर शेयर नहीं किया है तो काइंडली शेयर द सेशन बी ऑप्शन आ रहा है दैट इज ब्राउनिश ठीक है सही है करेक्ट है ब्राउनिश इज अ राइट आंसर सो आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जो नेल्स हैं अगर उनको डालेंगे तो वो ब्राउनिश कलर देते हैं करेक्ट ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलिंग सिटी इज सिचुएटेड अलोंग द कोरोमंडल कोस्ट कोरोमंडल कोस्ट पे जो है वो आपके कौन सी एक सिटी आपको मिलती है कोरोमंडल कोस्ट वेलोर टूती कोरन तिरुचापल्ली और तिरुनावेली लगाइए आंसर सूरज कह रहे हैं तूती कोरिन ओके कोई बता पाएगा तूती कोरिन को और क्या कहा जाता है या इन इसका एक टाइटल नेम। हर एक शहर हर एक सिटी का अपना टाइटल नेम होता है इसका टाइटल नेम कोई बताएगा तूती कोरिन का बिल्कुल सही है आप लोग करेक्ट आंसर भी है तूती कोरिन सही बताइए मैंने बस इतना क्वेश्चन पूछा है कि इसका एक टाइटल नेम भी है टाइटल नेम पता है ना आप लोगों को हर एक सिटी हर एक शहर का एक टाइटल नेम होता है आ, नहीं मेघना मैं यहीं पर रेगुलर हूं और चार बजे मेरी डेली लाइव क्लास होती है ठीक है नहीं बेटा इसको कहा जाता है सी गेटवे ऑफ तमिलनाडु ठीक है। आपका करेक्ट आंसर है बोल रहा है इनमें से कौन सा सिटी कोरोमंडल कोस्ट पर है तो तूते कोरोमंडल कोस्ट पर है और इसी दूती को सी गेटवे ऑफ तमिलनाडु भी कहा जाता है ठीक है करेक्ट तो आंसर आपका दिस चलिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है

रॉन्ग आंसर कर रहे हो तो भी लिख दो कोई भी दिक्कत नहीं है इंटरेस्ट को अपनी प्रिपरेशन को डेली एम वाइफ के साथ कंटिन्यू कर सकते हो डेली चार बजे मेरे साथ ठीक है वेरी नाइस करेक्ट आंसर है आर्टिकल सेवनटीन इज अ राइट आंसर आर्टिकल सेवनटीन राइट टू इक्वालिटी के अंदर आता है राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार अगर आपको पता हो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक में है ना और आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी अस्पृश्यता को बताता है कि भाई भारत का हर एक नागरिक इक्वल है बराबर है समान है वो क्या काम कर रहा है वो किस तरीके से रह रहा है इट्स ऑफ योर बिजनेस सामने वाला केवल एक इंसान है इस बात से देखिए है ना तो करेक्ट आंसर आपका सेवनटीन है ओके okay, कोई बताएगा आर्टिकल एटीन क्या है एनी श्योर राजेश जी आर्टिकल एटीन कोई बता दे एनी वन वेरी गुड टाइटल नहीं एंड ऑफ टाइटल्स उपाधियों का अंत कोई भी इंसान अपने नाम के आगे राजा भैया सुल्तान बादशाह कोई उपाधि नहीं लगाएगा वो अपने केवल एक सिंपल नाम से जाना जाएगा है, जो उसको इक्वल रखता है आपकी जनता के साथ में तो करेक्ट आंसर फिलहाल तो 17 था आर्टिकल 18 मैंने आपको बता दिया 19 बेटा राइट टू फ्रीडम है स्वतंत्रता का अधिकार ठीक है आर्टिकल 20 अपराधों के दोष सिद्धिकरण के संबंध में संरक्षण प्रोटेक्शन अगेंस्ट कॉन्विक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफेंस आर्टिकल 20 है फिलहाल करेक्ट आंसर 17 था नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे द पावर एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय लगाइए आंसर मेंशन बोर्ड ओके दीपक जी ठीक है करते हैं करेक्ट आंसर एक्सेलरेशन नहीं बल्कि कलेक्ट करेक्ट आंसर वेलोसिटी इज द राइट आंसर ठीक है चलिए सही नहीं था काफी लोगों का सही नहीं था मेरे ख्याल से कोई बात नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन विच ईयर वॉज रामलीला इंस्क्राइब ऑन द यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेलिजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी रामलीला को यूनेस्को ने संरक्षण दिया है एक पर्टिकुलर लिस्ट एक पर्टिकुलर कैटेगरी के तहत बताइए किस वर्ष में रामलीला प्लीज शेयर और जब भी आप अदर स्टूडेंट्स अदर ग्रुप पर जाएं तो वहां पे बता सकते हो कि चार बजे क्लास होती है सूरज बिल्कुल सही है 2008 इज़ द राइट आंसर यूनेस्को ने रामलीला को जो है वो 2008 2008 के टाइम पे अपने इस कैटेगरी या इस लिस्ट के अंदर जो है वो ऐड किया था कोई बता रहे यूनेस्को का हेडक्वार्टर यूनेस्को का हेडक्वार्टर बता दीजिए बस बता दोगे यूनेस्को की स्थापना सिक्सटीन नवंबर को हुई थी आपसे मैंने बस हेडक्वार्टर पूछा है जेनेवा पेरिस हम्म हेड हेडक्वार्टर है ठीक है चलिए सो सबमिट करेंगे इसको नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह अमंग द फॉलोइंग पोएट रोट अंडर द पेन नेम निराला इनमें से कौन से एक राइटर का पेन नेम जो है वो निराला है पेन नेम मतलब जिस नाम से वो राइटिंग करते हैं लिखते हैं उसको कहा जाता है पेन नेम वेरी गुड राजेश का आंसर आया केवल ठीक है करेक्ट आंसर है बिल्कुल सूर्यकांत त्रिपाठी राइट आंसर ठीक है सूर्यकांत त्रिपाठी जो है वो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा राम रामधारी सिंह दिनकर लिखा है बेटा इनको राष्ट्र कवि कहते हैं इनका नाम जरूर याद रखना राष्ट्र कवि कहते हैं इनको रामधारी सिंह निनकर जरूर याद रखिएगा और ये निराला जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी जी का रहेगा पेन नेम चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर throne, इन विच ईयर डेट प्रिंस सलीम एस इन द मुगल थ्रोन यानी कि इनमें से किस वर्ष में सलीम मतलब जहांगीर ने मुगल साम्राज्य लिया था या मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठे थे सलीम मतलब जहांगीर 1558 1625 1572 और 1605 जंजीरए अदल बनवाया था इन्होंने चेन ऑफ जस्टिस आगरा फोर्ट पे थी वेरी गुड 1605 है ना 1605 बिल्कुल सही है जहांगीर का जो टाइम पीरियड था वो 1605 से 1625 समटाइम्स बुक्स में 28 लिखा रहता है क्योंकि नूर जहां ने रूल किया था तीन साल बाद विदाउट एनी अनाइंटमेंट बिना किसी राजभिषेक के ठीक है तो वैसे जहांगीर का सही टाइम पीरियड सोलह से पच्चीस है ठीक है चले आगे बढ़ते हैं करेक्ट आंसर आप समझ गए होंगे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1605 नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल द कैटेगरी ऑफ ऑयल सीड इनमें से कौन सा ऑयल सीड के कैटेगरी में नहीं आता है मूंगफली सोयाबीन सोयाबीन सोया पता ही आपको ओट्स पर्टिकुलर वर्ड के आगे ऑयल लगा दो अगर सही आपको आपने सुना होगा तो वो आंसर नहीं है का तेल नहीं सुना है मेघना सुना होगा ओट्स का तेल नहीं सुना होगा है ना करेक्ट आंसर आपका समझ गए ऑप्शन नंबर सी, ओट्स नहीं मिलेगा ठीक है बाकी मूंगफली का तेल आता है सोयाबीन तेल आता है सीसेम ऑयल आता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है द कलेक्शन ऑफ वैदिक हाइम्स ऑफ मंत्रा इज नोन एज मंत्रों का कलेक्शन ठीक है मंत्रों का जो पूरा कलेक्शन है उनको किस नाम से जाना जाता है जंती संहिता बाली विधाता एक ही ऐसा नाम है जो आप एग्जैक्ट उसमें कनेक्ट कर पा रहे हो गे अदरवाइज कोई वर्ड ऐसा नहीं है जो आप कनेक्ट कर पा रहे हो अगर ये चैप्टर पढ़ा है वैदिक एज तो एक वर्ड आप कनेक्ट कर पाओगे वैभव वेरी नाइस करेक्ट आंसर संहिता इज अ राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था आपका करेक्ट आंसर होगा हाइम्स या मंत्रा का जो कलेक्शन है वो एक्चुअली संहिता के नाम से या संहिता के नाम से जो है वो जाना जाता है करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है देखिएगा सही बेटा जयप्रकाश नारायण वॉज फोनलीस जयप्रकाश नारायण जो है उनको इनमें से किस नाम से जाना जाता है राजा ऋषि दीन बंधु लोक नायक और देश बंधु लगाइए आंसर बहुत इजी है लोकनायक ठीक है ओके करेक्ट आंसर बिल्कुल सही आप में से काफी लोग सही भी कह रहे हैं करेक्ट आंसर लोकनायक कह लीजिए या फिर जेपी कह लीजिए ठीक है तो जयप्रकाश नारायण जी को जेपी के नाम से भी जानते थे और लोकनायक के नाम से भी जो है वो इनको जानते थे ठीक है क्लियर है अच्छा चित्रंजन दास जो होंगे वो हो जाएंगे आपके क्या देश बंधु दास का जो टाइटल नेम होगा वो हो जाएगा बेटा आपका क्या देशबंधु सी एफ एंड्रूस एफ एंड्रूस का जो टाइटल नेम होगा वो होगा आपका क्या दीन बंधु ठीक है तो इतना आपको याद रखना है ये पुरुषोत्तम दास टंडल थे जिन्हें राजा ऋषि कहा जाता था लिख लेना ये ये पता नहीं होगा इनका टाइटल नेम था राजा ऋषि सी एफ का टाइटल नेम था दीन बंधु लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी और देश बंधु चित्रंजन दास ठीक है सारे टाइटल क्लियर चलिए क्वेश्चन को अटेम करेंगे सही आंसर के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्रोकोडाइल चैम्बर क्रोकोडाइल मगरमच्छ में कितने हार्ट चैम्बर होते हैं कितने हृदय कक्ष होते हैं ऑप्शन है पांच तीन चार दो क्रोकोडाइल ओके ठीक okay. है ठीक है करेक्ट है बिल्कुल सही क्रोकोडाइल है फोर हार्ट चैम्बर ठीक है चार हेड चैम्बर आपके नॉर्मली क्रोकोडाइल में रहेंगे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फोर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सॉल्ट पिटो इज एन नेम फॉर सोल्ट पिटर जो है वो इनमें से किसी और का सॉरी अन्य नाम है इनमें से किसका पोटेशियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड लगाइए आंसर प्लीज डाउनलोड द एम वाइफ एप अगर एम वाइफ की ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा ध्यान से आप टेस्ट प्रैक्टिस लर्न ये सारी चीजें एक प्लेटफॉर्म पे एक्सपीरियंस कर पाओगे ठीक है करेक्ट आंसर पोटेशियम नाइट्रेट बिल्कुल सही है के एन ओ थ्री ठीक है पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो आपके नॉर्मली सॉल्ट पेटर के नाम से या इसका कॉमन नेम जो है वो सॉल्ट पेटर के नाम से जाना जाता है किस चीज में यूज करते हैं तो एज अ फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक के रूप में आपके इसको यूज किया जाता है या फिर गन पाउडर के रूप में भी इसको यूज किया जाता है गन पाउडर के नाम से भी आप इसको जो है वो बोल सकते हो ठीक है सोडियम क्लोराइड आपको पता है यार एन एस सी एल नॉर्मली आपका सॉल्ट हो गया ठीक है इसमें आपको ज्यादा कुछ दिमाग नॉर्मल नहीं लगाना था पोटेशियम अच्छा दिया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि आपका NaOH NaOH का मतलब हो गया आपका कास्टिक सोडा ठीक है ये हो जाएगा ठीक और वो आपका हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड या आप उसको पोटेशियम म्यूरिएट के नाम से भी जानते हो क्लियर है, है? चलिए करेक्ट करते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बेटा ऑप्शन नंबर सी था नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कह रहा है इन विच स्टेट इज द हिल स्टेशन माथेरान लोकेटेड माथेरान काफी खूबसूरत एरिया है एक ट्रिक भी बता दिए मैंने आ, हिंट दे दिया सॉरी बताइएगा माथेरान वेस्टर्न घाट में आता है वेस्टर्न घाट के वजह से आपके दो ऑप्शन तो हट ही जाएंगे एटलीस्ट है ना और दो रह जाएंगे वेरी गुड वेरी गुड माथेरान सही है महाराष्ट्र इज द राइट आंसर माथेरान जो है वो एकमात्र ऐसा स्टेशन भी है जहां पे आपके टॉय ट्रेन भी चलता है ठीक है तो माथेरान महाराष्ट्र में आता है करेक्ट आंसर आपका आपका ये ये हो जाएगा क्योंकि मध्य प्रदेश बेटा पूरा सतपुड़ा वाला एरिया हो गया तमिलनाडु आपके ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को कनेक्ट करता है ठीक है कर्नाटक का वेस्टर्न घाट वाले पार्ट में आएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे करेक्ट आंसर महाराष्ट्र था नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डज नॉट लाई ऑन द पार्ट ऑफ द रिवर गंगा ठीक है गंगा नदी के मार्ग में इनमें से कौन सा एक जो सिटी है वो नहीं पड़ेगा उत्तर काशी अच्छा प्रयागराज कानपुर पटना समझ तो गए हो गया आंसर है ना हाँ देखो दीपक जी का कितना जल्दी आंसर आ गया वेरी गुड करिए आंसर कमेंट बॉक्स यूज करिए लाइफ चैट यूज करिए ताकि आपका आंसर मुझे पता चल पाए और जो आप दे रहे हैं आंसर वो क्लियर हो पाए है ना बेटा करेक्ट आंसर उत्तर काशी ठीक है उत्तर काशी या उत्तर तो जो उत्तरकाशी वाला पार्ट है ये आपके बेसिकली गंगा के पार्ट में नहीं आएगा क्योंकि पर्टिकुलर टाउन एरिया पूछ रहे थे वो ठीक है ये सीपीओ की जो आ, ये थी आपके की आंसर की थी उसमें भी आपका करेक्ट आंसर ए ही दिया था इन्होंने सो so, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल इनमें से कौन सा जीवाश्म में ईंधन नहीं है बिटुमेन, बायोमास, पेट्रोलियम और एस्फॉल्ट लगाइए जल्दी आंसर और प्लीज बी ऑन टाइम क्लास का टाइम चार बजे का है हां मेघना यस ठीक है करेक्ट आंसर आपका होगा बायोमास राइट आंसर ये बायोमास वाला पार्ट जो है ये आपके बेसिकली फॉसिल फ्यूल में नहीं आता है करेक्ट आंसर आपका भी नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर वायसराय ऑफ इंडिया इनमें से पहला पुर्तगाली वायसराय बताइए भारत का दो ही नाम है जिसमें तुम लोग आप लोग कंफ्यूज होंगे अदरवाइज नहीं होंगे प्लीज हिट द लाइक बटन करेक्ट आंसर अल्मेडा इज द राइट आंसर अल्मेडा पहले थे बाद में सेकंड नंबर पे अलबू गवर्नर हुए थे इन्होंने ही गोवा जीता था बाद में है ना करेक्ट so, आंसर आपका अल्मेडा इज द राइट राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन सोना जी आप भी लेट है चार बजे का क्लास होता है प्लीज बी ऑन टाइम बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ज अटैचुअरी अथॉरिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ यू आई आपका एक स्टैचुअरी अथॉरिटी है बताओ किस मंत्रालय के अंदर आता है कम्युनिकेशन में इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में साइंस एंड टेक में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में लगाइए आंसर क्लास का टाइम कल भी चार बजे का रहेगा है करेक्ट आंसर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ राइट आंसर करेक्ट आंसर बेटा ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन द बुक द लाइफ डिवाइन वॉज रिटन बाय द बुक लाइफ डिवाइन वॉज रिटन बाय ऑप्शन बी आया है काफी लोगों का गलत है वेरी गुड अच्छा बी नहीं तो सी होगा ठीक है ओके करेक्ट आंसर करते हैं सर और बिंदो इज आ राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हाँ सूरज सही है सोना सही है मेरे आंसर क्लिक करने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते हो है ना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर सपोर्टिंग रूट्स कमिंग आउट ऑफ द लोअर एंड ऑफ द स्टेम ऑफ मेज एंड शुगर केन मक्का और गन्ने के लोअर एंड पर जो रूट सपोर्टिंग रूट होती है निकलती है जो जो उसको सपोर्ट भी करने का काम करती उन रूट्स, उन जड़ों को क्या है रूट्स, रूट, स्टेल्ट रूट या रूट? जल्दी आंसर करिए एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है वेरी गुड सही है करेक्ट आंसर रूट इज अ राइट आंसर बेटा प्रॉप रूट होती है जो बरगद के पेड़ में मिलती है ना वो है प्रॉप रूट प्राइमरी रूट जो प्रॉपर आप रूट देखते हो घास वगैरह उखाड़ने के बाद वो प्राइमरी रूट है ठीक है तो स्टेल्ट रूट इज राइट आंसर आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर द बाराबती स्पोर्ट स्टेडियम इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ बाराबती स्पोर्ट स्टेडियम जो है ये इनमें से कहाँ स्थित है ये ये स्टेडियम मेनली आपके क्रिकेट के लिए आ, फेमस है 1958 में बना था बताइएगा नहीं नहीं पता <laughs> कोई बात करेक्ट आंसर करते हैं एंड एंड द द राइट आंसर इज वी कंप्लीट सेशन क्लास का टाइम कितने बजे है चार, चार पांच चार दस सवा चार ये मत आया करो चार बजे आ जाया करो है ना एम का ऐप बेटा डाउनलोड करना है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग एमबाइफ का ऐप डाउनलोड करने के बाद एक सीजीएल का मॉक टेस्ट दें और फिर ग्रुप पर जरूर बताएं ठीक है चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल इसी टाइम यानी कि चार बजे ख्याल रखिए प्रिपरेशन करते रहिए थैंक यू यू